हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ एडमिशन एंड स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस सेक्शन 20 एंड 21। सो इन द प्रीवियस फोर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शंस रिलेटिंग टू एडमिशन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन 20 एंड 21। So let's start the topic. So as we have already discussed the introduction, admission is a voluntary acknowledgement of fact, and in the law, the admission which is self-harming is having a much weightage, and all confessions are admission, but all admissions are not confession. If there is acknowledgement of guilt, that will be treated as a कन्फेशन। तो अगर एडमिशन में एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट है, किसी ने गुनाह कबूल किया, तो वो एडमिशन कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर कन्फेशन बेसिकली एडमिशन होता है, लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है। तो कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है, एडमिशन सिविल केसेस में भी हो सकता है, क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं सेक्शन 20 और 21 के तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेक्शन 20। द टाइटल ऑफ सेक्शन 20 इज When oral admission as to contents of documents are relevant, कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर ओरल एडमिशन कब रिलीवेंट होगा, ये सेक्शन 20 बताता है। तो देखिए, ओरल एडमिशन as to the contents of documents are not relevant, that is a general rule. If you want to prove the contents of document, we cannot prove the contents of document by orally admitting the content of that document. हम किसी document के content को oral admission के जरिए prove नहीं कर सकते हैं, that will not be relevant. Document एक और document के content ऐसे ऐसे है, मैं कहकर prove नहीं कर सकता हूं, मुझे document ही court में देना पड़ेगा। तो oral admission as to the contents of documents are not relevant. तो किसी document से related oral admission relevant नहीं होता है। Unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such a document. देखिए, general rule क्या है, किसी document के content को oral admission के जरिए prove नहीं किया जा सकता, ये general rule है। लेकिन unless and until the party proposing to prove that he is entitled to give a secondary evidence of the contents of such document. अगर कोई पार्टी ये बोलती है कि उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड मेरा सेकेंडरी एविडेंस देने का अधिकार है, एक सिचुएशन है ना, तो ओरल एडमिशन के जरिए उस कंटेंट को प्रूफ किया जा सकता है। एक चीज हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, एंड इफ द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन, जेन्युइननेस का मतलब कि वो डॉक्यूमेंट की सच्चाई अगर क्वेश्चन में है, कोई कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट ही झूठा है, तो जेन्युइननेस अगर क्वेश्चन में आ गई किसी डॉक्यूमेंट की, तो फिर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव किया जा सकता है। देखिए, वन बाय वन हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। द एग्जाम्पल वन इज दैट राम एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ मॉर्गेज इन फेवर ऑफ श्याम। राम ने क्या किया, श्याम के फेवर में मॉर्गेज किया, एक डीड ऑफ मॉर्गेज बनाया, कोई प्रॉपर्टी उसके मॉर्गेज किया, उसने गहन रखा और एक डीड ऑफ मॉर्गेज बनी इन फेवर ऑफ श्याम। श्याम फाइल्स अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉर्गेज। तो श्याम ने क्या किया, सूट फाइल किया काय के लिए, फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्गेज। जो राम ने श्याम के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा था, तो श्याम ने सूट फाइल किया कि भाई जो मेरे पास राम ने मॉर्गेज रखा है प्रॉपर्टी, उसका मुझे पोजेशन चाहिए। तो पोजेशन के लिए सूट फाइल किया श्याम ने राम के अगेंस्ट में। ड्यूरिंग द ट्रायल राम डिनाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज, लेकिन ट्रायल के बीच राम ने मॉर्गेज को ही डिनाई कर दिया। राम ने यह कहा कि भाई जब मॉर्गेज ही नहीं है, तो श्याम को पोजेशन कहां से मिलेगा, लाइक दैट। नाउ इन दिस केस श्याम कैनॉट प्रूव बाय ओरल एविडेंस दैट ही हैड बिफोर सम पर्सन एडमिटेड दैट ही हैड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी टू हिम। तो श्याम अब ये मॉर्गेज को बाय ओरल एविडेंस प्रूव नहीं कर सकता कोर्ट के सामने, कि आप ये दो पर्सन है, इनके साम इनको पूछो आप कि राम ने मॉर्गेज मेरे पास प्रॉपर्टी किया है या नहीं है। बात ध्यान में रखो, तो अगर मॉर्गेज डीड है, तो डीड के जरिए ही प्रूफ करना पड़ेगा, ओरल एडमिशन के जरिए श्याम उस डीड के कंटेंट को प्रूव नहीं कर सकता,
ये बात जरूरी है. श्याम कैन प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज एंड कैन गेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन ही फाइल्स द डीड ऑफ मॉर्गेज इन अ कोर्ट एंड प्रूव्स इट. देखिए, श्याम को अगर उस मॉर्गेज की भी प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए तो उसको वो मॉर्गेज डीड कोर्ट में पेश करना पड़ेगी और मॉर्गेज डीड पेश करके ही वो प्रॉपर्टी का पोजेशन पा सकता है या मॉर्गेज को प्रूव करके ही वो पोजेशन पा सकता है. ओरल एडमिशन के जरिए ही नहीं. वो ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई राम ने ये दो लोगों के सामने मुझे मॉर्गेज किया, ये कबूल किया. ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रूव्ड. तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जनरल रूल है कि हमको अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रूफ करना पड़ेगा. लेकिन दो एक्सेप्शन भी है उसको. पहला एक्सेप्शन क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, व्हेन पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. कब किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम ओरली एडमिट कर सकते हैं या ओरल एडमिशन के जरिए प्रूफ कर सकते हैं कि अगर व्हेन पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर पार्टी डॉक्यूमेंट के सेकेंडरी एविडेंस देने का उसको अधिकार है तो उस सिचुएशन में कंटेंट्स को प्रूव किया जा सकता है. देखिए, इफ गणेश है यहां पर, इफ द ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट सेड टू हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉइड, ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड. बात ध्यान में रखिए कि इफ द ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट हैज बीन डिस्ट्रॉइड और लॉस्ट, then on the basis of destruction, on the basis of loss of any document, party will be entitled to give secondary evidence. So when the party is entitled to give secondary evidence, in the same situation, a party can prove the contents of document by oral evidence. So by oral evidence, oral admission, the contents of document may be proved. So यहाँ पर वही है कि Ganesh के पास जो promissory note थी तो original गुम गई या destroy हो गई, उस situation में Ganesh उस promissory note के content को oral admission के जरिए prove कर सकता है. क्योंकि on the basis of lost or destruction, अगर कोई document गुम हो जाता है या destruction हो जाता है तो उसकी xerox copy भी कोर्ट के सामने पेश की जा सकती है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ओरल एडमिशन भी प्रूफ हो सकता है. ठीक है, तो ओरल एडमिशन यहां पर प्रूफ होगा अगर सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए पार्टी इंटाइटल है तो. दूसरा, वेयर द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन. अगर डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस इज क्वेश्चन में, डॉक्यूमेंट की सच्चाई अगर क्वेश्चन में. देखिए, गणेश अलेज दैट द प्रॉमिसरी नोट वॉज नॉट साइंड बाय हिम और दैट हिज सिग्नेचर हैज बीन फोर्स्ड. अब गणेश ने जो प्रॉमिसरी नोट कोर्ट में पेश की गई, गणेश ने यह कहा कि उस पर जो प्रॉमिसरी नोट पे जो सिग्नेचर है वो मैंने नहीं की है, वो फोर्ज्ड सिग्नेचर है, वो जाली सिग्नेचर है, वो नकली है, मेरी सिग्नेचर ही नहीं है. अब यहां पर क्या हो गया, श्याम कैन प्रूव द ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. तो यहां पर क्या कर सकता है, श्याम कैन प्रूव द ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश. अब श्याम ये प्रूफ कर सकता है कि देखिए ये गणेश ने ये पर्सन के सामने प्रॉमिसरी नोट के कंटेंट को एडमिट किया था जेन्युइननेस क्वेश्चन में. तो उस सिचुएशन में श्याम के पास राइट है, वो जो डॉक्यूमेंट के है, प्रॉमिसरी नोट के जो कंटेंट है, वो ये कह सकता है कि गणेश ने उसके कंटेंट को ये पर्सन के सामने एडमिट किया था. ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव किया जा सकता है. तो ये सेकंड एक्सेप्शन है सेक्शन 20 का. अब देखिए सेक्शन 21 है. सेक्शन 21 ये कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट. सिविल केसेस में एडमिशन कब रिलीवेंट होगा, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलीवेंट. सिविल केसेस में एडमिशन रिलीवेंट नहीं होगा इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन. रिलीवेंट कब नहीं होगा, अगर एडमिशन देते वक्त ही दोनों पार्टी में कंडीशन डिसाइड हो गई कि हम दोनों भी इसका एडमिशन कोर्ट में नहीं देंगे. मैंने अगर किसी पार्टी के सामने ये कंडीशन पे ही एडमिट किया कि तू इस एडमिशन को कोर्ट में यूज नहीं करेगा, अगर ये कंडीशन के साथ मैंने एडमिशन दिया होगा तो वो एडमिशन को रिलीवेंट नहीं माना जाएगा, प्रूव नहीं किया जा सकता है. और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टूगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट इज शुड नॉट बी गिवन, या ऐसे सर्कमस्टांसेस कि जिससे कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी एडमिट किए जाएंगे फैक्ट उसका बेनिफिट कोर्ट में नहीं लिया जाएगा. कभी कभी होता है ना, ठीक है भाई मैं बात मानता हूं लेकिन तू इसको कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में यूज नहीं करेगा, अगर ये तू एग्री होता है तभी मैं एडमिशन दूंगा. अगर इस बेस पे अगर एडमिशन दिया वाला होगा तो वो एडमिशन सेक्शन 21 में रिलीवेंट
नहीं माना जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जम्प्ट एन एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सब सेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 132 के। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर किसी एडवोकेट को सेक्शन 132 सब क्लास 1 और 2 में कंपेल कर सकते हैं किसी चीज को बोलने के लिए, तो वो ये सेक्शन का बेनिफिट लेके खामोश नहीं होगा। सेक्शन 21 मतलब ऑलरेडी 132 में अगर एडवोकेट को कंपेल किया जा रहा है तो वो एडमिशन दे सकता है, वो रिलीवेंट होगा, सेक्शन 21 का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, सुरजीत वर्सेस गुरचरण, ये केस है AIR 1973 का, वेयर द पिटिशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज पेंडिंग। क्या अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई पिटिशन पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल A letter written by one of the parties containing an admission of cruelty and seeking apology was filed. इस केस में क्या हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट में केस पेंडिंग थी, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने क्या किया, एक लेटर लिखा और उसमें एडमिट किया कि हाँ ठीक है, मैंने आपसे आपके साथ क्रूअल बिहेवियर किया और मुझे उसके लिए माफ कर दो। तो ये लेटर में उसने एडमिट किया फैक्ट को कि उसने क्रूअल्टी किया था। That letter was written during the period of negotiation for a compromise between the parties. ये लेटर कब लिखा गया था हस्बैंड ने, कि दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन चल रहा था कंप्रोमाइज के लिए, दोनों पार्टी में कंप्रोमाइज की कोशिश हो रही थी और वो कंप्रोमाइज के दौरान ही उसने लिखा कि ठीक है, मैंने आपके अगेंस्ट में क्रुएल्टी किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कब किया था उसने, जब कंप्रोमाइज चल रहा था दोनों में। इट वॉज हेल्ड दैट द लेटर इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट एंड इट मे बी इन्फर्ड दैट द पार्टीज डिड नॉट वॉन्ट टू लेट इन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेटर। अब कोर्ट में यही माना गया कि वो जो लेटर लिखा गया वो प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है और जो हस्बैंड ने एडमिट किया है कि मैंने तुमको क्रुएल्टी किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, तो हस्बैंड कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि वो कोर्ट में उसकी वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में यूज किए। अगर हस्बैंड को ऐसा लगता था तो वो एडमिट करता ही नहीं। तो ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट माना गया और कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, ये एडमिशन उस पर्सन के अगेंस्ट में यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेंटिफ वॉज इंजर्ड व्हाइल ही वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन व्हेन द ट्रेन जस्ट स्टार्टेड टू मूव एट द टाइम ऑफ हिज गेटिंग डाउन। तो एक प्लेंटिफ ट्रेन से उतरने वाला था और जैसा वो उतरने की कोशिश किया, ट्रेन क्या हो गया, चलना शुरू हो गई और उसको इंजुरी हो गई वो गिर के। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए। द रेलवे अथॉरिटीज इशूड अ डैमेज सर्टिफिकेट कंटेनिंग मार्क विद प्रिजुडाइज विदाउट प्रिजुडाइज रिक्वेस्टिंग प्लेंटिफ टू बी एग्जामाइंड बाय द रेलवे डॉक्टर। तो रेलवे अथॉरिटी ने एक डैमेज सर्टिफिकेट इशू किया और उस पर एक मार्क कर दिया उसने विदाउट प्रिजुडाइज करके, और रिक्वेस्ट किया प्लेंटिफ को कि तुम हमारे रेलवे डॉक्टर को एग्जामाइन करो उसके पास जाके। इन एन इंग्लिश केस इट वॉज ऑब्जर्व दैट द वर्ड विदाउट प्रिजुडाइज सिंपली मीन्स दिस आई मेक यू ऑफर एंड इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट दिस लेटर इज नॉट टू बी यूज अगेंस्ट मी। विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है कि आई मेक यू एन ऑफर, यहां पर रेलवे अथॉरिटी ने क्या किया, उस पर्सन को प्लेंटिफ को एक ऑफर दिया कि भाई तुम हमारे रेलवे डॉक्टर से एग्जामाइन करो, अगर एग्जामाइन करने के बाद अगर कुछ होता है कुछ निकलता है तो हम आपको कंपेंसेशन देंगे, एंड इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, ऑफर दिए उसको कि हम तुमको रेलवे डॉक्टर के पास एग्जामाइन करने के लिए कर रहे, अगर आपको रेलवे डॉक्टर के पास एग्जामाइन नहीं करना है तो दिस लेटर इज नॉट टू बी यूज अगेंस्ट मी, ये लेटर उनके अगेंस्ट में यूज नहीं हो सकता है। तो रेलवे अथॉरिटी ने जो लेटर दिया था उसको कि भाई तुम हमारे रेलवे डॉक्टर के पास एग्जामाइन करो और हम आपको कंपेंसेशन देंगे, अब ये लेटर जाके कोर्ट में वो कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है और ये नहीं बोल सकता है उन्होंने ऑलरेडी एडमिट किया, अगर एडमिट नहीं करते तो रेलवे डॉक्टर के पास मुझे क्यों भेजते। द डैमेज सर्टिफिकेट इज रिलीवेंट एंड कैनॉट बी यूज एज एविडेंस व्हेन अ करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू अ डिस्प्यूट वॉज इनिशिएटेड बाय अ लेटर मार्क विदाउट प्रिजुडाइज। तो वो जो एडमिशन है रेलवे अथॉरिटी का, वो एडमिशन रिलीवेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था विदाउट प्रिजुडाइज, अगर आपको ऑफर पसंद नहीं है तो ये लेटर हमारे अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा सकता, तो ये एडमिशन एज एन एडमिशन रिलीवेंट नहीं होगा। तो ये था सेक्शन 20 और 21 विच वी हैव डिस्कस्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।